नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रुटकी में भाजपा कार्यक्रम में हंगामा, टिकट वितरण में भेदभाव को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष पर निकला गुस्सा। खाकी ने पत्रकार के साथ की बदसुलूकी, पुलिस अधिकारी ने पत्रकार का छीना कैमरा, वायरल हुआ वीडियो। रुद्रपुर में पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर गंगवार परिवार का कब्जा, बीजेपी से रेनू गंगवार बनी अध्यक्ष, कायम रहा गंगवार परिवार का दबदबा। और अब खबरें विस्तार से। वन विभाग ने कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से ये औचक निरीक्षण किया गया। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी ने नधौर वन्य जीव सेंचुरी सहित अन्य जगहों का भी औचक निरीक्षण किया। साथ ही हल्द्वानी वन विभाग के घने जंगलों में डीएफओ ने काबिंग भी की और वन मोटर मार्गों का जायजा लिया। लगभग 60 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले जंगलों के बीच बनी वन बीट चौकियों में लाइट और पैजल की प्रमुख समस्या देखी गई। यहाँ वन रक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाथियों की है, जो कभी कभी वन चौकियों पर हमला कर देते हैं और यहाँ रखे कई सामान को निशाना बनाकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ये हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत नंदौर वन जीव अभयारण्य का जो क्षेत्र आता है, तो उसमें जोलासाल रेंज के आज दौरे पर मैं था। तो जोलासाल रेंज की जितनी भी चौकियाँ हैं और जो रेंज ऑफिस है, वो हमारा पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी आज के समय में जो समस्या है, जो चुनौती है, वो यह है कि वहाँ पर बिजली की एक सुचारू व्यवस्था करना है। तो इसके तहत सोलर पैनल्स की व्यवस्था की जा रही है, सोलर इन्वर्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो सके और गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में पंखे भी चल सकें। और जो बड़ी चौकियाँ हैं वहाँ पर अगर संभव हो सके तो टीवी वगैरह भी चल सकें, ताकि हमारे स्टाफ आराम से जंगल में रह के अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर सके। रुड़की के भाजपा मेयर एवं पार्षद के स्वागत कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला रुड़की का है, जहां पर ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। साथ ही मामला गाली गलौज से हाथापाई तक आ पहुंचा। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मनाते रहे, लेकिन विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने कपड़े तक फाड़ डाले। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी को जमकर दौड़ाया, उनकी गाड़ी के आगे लेट कर विरोध किया, यहाँ तक कि उन्हें करीब एक घंटे से अधिक बंधक बनाया रखा। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकट वितरण भेदभावपूर्ण नीति के तहत दिए गए हैं। निष्भाव से आप लोग, सब लोग जानते हैं, कभी कोई दाग नहीं है, कोई दलाली नहीं करी। आज दलालों को टिकट दिया गया है। दलालों ने, आपने कल देखा होगा प्रभारी के साथ क्या हुआ। आज पार्टी के लिए मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के मान सम्मान के लिए मैं लड़ा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। इन्होंने मेरी हत्या करी है, मैं शहीद हूँ। पैसे का वितरण हुआ है, ये कुछ जो लोग बाकी पुराने 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई किसी चीज़ का कोई ब्लेम नहीं है, उसमें है पूरा काम करते हैं, पार्टी ने रात दिन काम करते हैं, उसके बावजूद भी जो है इनको टिकट नहीं दिया गया। इसका कारण क्या हो सकता है? सामान्य सीट होने के बावजूद भी इनको टिकट नहीं दिया गया, क्या हो सकता है? जौनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इन 6 प्रत्याशियों ने बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि बीच ब्लॉक प्रमुख और अन्य पदों के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने ये नामांकन दाखिल किए। विकास खंड जौनपुर के बहुउद्देशीय हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रातः 11 बजे शुरू हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व प्रमुख गीता रावत ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें साथ ही उप प्रमुख से वीरपाल सिंह और कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए अनिल ने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सीता रावत ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए नामांकन पत्र भरा। धर्मनगरी उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेले के लिए तमाम तैयारियों के लिए अधिकारी जायजा ले रहे हैं और वहीं साथ के साथ अधिकारी तमाम
काम पूरा करने का भी दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वास्तविक स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तराखंड में कुंभ मेले का काम कछुआ की गति चल रहा है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि समय पर निर्माण पूरा होना आवश्यक है। ऐसे में उन्होंने अमित शाह से वार्ता भी की। वहीं दूसरी ओर मेला अधिकारी का कहना है कि 125 करोड़ के कामों को स्वीकृति मिल चुकी है और कुंभ मेले के तमाम कार्यों को वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। 125 करोड़ के कामों को स्वीकृति मिल गई है। इसमें 7 काम मौके पे चल रहे हैं। कुछ कामों में विलंब इसलिए हो गया है कि एक तो हमारी जो कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स थी, विशेषकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स, इसमें थोड़ा सा समय हमें लग गया है, लेकिन उनके भी जियोज अब हो चुके हैं और उनके टेंडर्स भी लग चुके हैं। मौके पे आप देख रहे हैं कांवड़ पट्टी का काम हमारा चल रहा है। आस्था पथ की भी हमारी EFC हो गई, उसका भी जियो होने वाला है। तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता युक्त सारे काम हमारे हो जाए। मेरे जी में हम लोग जानता है, हमारे जो पूर्वजों ने जो वहाँ रखा था हर की पेड़ी पे, हमारे जो पूर्वज महात्मा से विद्वान कोई नहीं समय है, उन्होंने जो रखा था वो वहाँ पे जहाँ वो हम लोग स्नान करेंगे, हमारे जानकारी में ब्रह्मकुंड वही है, वही स्नान करेंगे। उत्तराखंड में छठ पूजा का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें जहाँ पूरे देश भर में छठ पूजा का पर्व देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा का महापर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा और वहीं हरिद्वार में हर की पेड़ी पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सूर्य देव की उपासना की। हरिद्वार छठ के मौके पर छठ में रंगा नजर आया, तो वहीं लोगों में भारी संख्या में हरिद्वार गंगा घाट पहुंचे। छठ की पूजा है जो 4 दिन का व्रत होता है। ये बिहार झारखंड UP का महापर्व है, जिसमें कि प्रथम दिन लोग नहा खा करते हैं, जिसमें नहाने के बाद में इसमें लौकी की सब्जी, चावल और चने की दाल खाते हैं। उसके बाद दूसरे रोज खरना होता है, जिसमें दिन भर उपवास करने के बाद में शाम को लोग गाय के दूध में खीर बनाकर रोटी और खीर के साथ में बनता है और आपस में प्रसाद का वितरण करते हैं। उसके बाद तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जिसमें सभी प्रकार के फल को दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को नदी तालाब चाहे जो भी उपलब्ध है उसमें देते हैं। छठ का पहला अर्घ है, बिहार का बहुत मुख्य पर्व है। वहाँ पर पूजा कर रहे हैं अब हरिद्वार में हरी करी कैसा लग रहा है पूजा करने? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मतलब ये छठ सूर्य भगवान का पूजा है। किसके लिए होती है? खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम चुनाव के लिए शशि शर्मा को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि शशि शर्मा को भाजपा की ओर से ये टिकट दिया गया, तो वहीं साथ के साथ शशि शर्मा को वार्ड नंबर 27 मकतूलपुरी से टिकट मिला है। बता दें शशि शर्मा जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित की माँ है। चीनू पंडित की माँ ने पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपना नामांकन किया है और उनका कहना है कि क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। देखिए, पहले तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हमारी माता श्री श्रीमती सरस्वती जी को वार्ड नंबर 23 से टिकट दिया है और भाजपा के संकल्प से चुनाव लड़ाने के लिए। फिर इससे पहले भी माता जी हमारी पार्षद हैं, वो पहले भी और हमारे अगेन जो थे कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, सभी पार्टी के थे। तो हम निर्दलीय थे, तो हमने पार्टी से आवेदन किया कि भाई हमें टिकट दो, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम शहर का विकास चाहते हैं, गरीब समस्या, गरीब आदमी को जिसकी विधवा पेंशन की या कोई भी समस्या है, हम बिल्कुल दिल और जान से साथ हैं, हर परिवार के साथ हैं। पार्टी ने हमें सम्मान किया है, हम पार्टी के साथ हैं। प्रदेश के 12 जिलों में कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में पंचायत चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के 12 जिलों में कांग्रेस और BJP आमने सामने हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में गंगवार परिवार का दबदबा बरकरार है। पंचायत सदस्य की 35 सीटें हैं, जिसमें BJP के 11 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि 16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। BJP गंगवार परिवार की बहू रेणु गंगवार को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी गई, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस
गंगवार परिवार से मुकाबला नहीं कर सकी, जिसका नतीजा रही कि पिछले 3 चुनाव में पंचायत कुर्सी पर गंगवार परिवार का दबदबा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे पति शुरू से ही जनता की सेवा करते आए हैं और मुझे मौका मिला है, मैं भी कहूँगी। और अभी के लिए उत्तराखंड लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।